नमस्कार दोस्तों, आइए दोस्तों आज हम सब लोग चर्चा करते हैं ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट की एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के बारे में। दोस्तों ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट इंडस्ट्री ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री खुद एक बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया की, राइट। हम लोग जानते हैं ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट ये भारत की जो इंडस्ट्री है ये तीसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया की। इट इज वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट, राइट। तो ये महत्व का एक इंडस्ट्री जरूर है। टोटल इंडस्ट्री अगर ये ऑटो पार्ट्स की हम देखें तो ये 4 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। लिस्टेड कंपनीज चेक करें इसमें तो लिस्टेड कंपनियों से यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर से करीब 2 लाख करोड़ का धंधा आता है। अंदाजित 115 लिस्टेड कंपनियां हैं, लेकिन दोस्तों जो हम हर जगह देखते हो यहां पे भी है 80% सेल्स या प्रॉफिट टॉप 12 कंपनियों से आता है। तो दोस्तों हम लोग यहां चेक करेंगे कि क्या ऑटो पार्ट्स की जो इंडस्ट्री है ये निवेश करने लायक है कि नहीं है। अगर है तो इसमें कौन सी कंपनी पे फोकस किया जाए, कौन से भाव पे लिया जाए या क्या स्ट्रेटेजी की जाए, राइट फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों ऑटो इंडस्ट्री टोटल देखें, जैसे ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट ये एक ऑटो इंडस्ट्री का एक पार्ट है। ऑटो इंडस्ट्री खुद नंबर 1 पैसेंजर व्हीकल से बनी है, नंबर 2 कॉमर्शियल व्हीकल से बनी है, 2-3 व्हीलर इसका एक पार्ट है और क्वाड्रासाइकल अगेन इसका एक और पार्ट है, राइट। पैसेंजर व्हीकल हम लोग जानते हैं जिसमें इंडिया में हमारे मारुति है, राइट, हुंडई, कई कंपनियां हैं। 2-3 व्हीलर में बजाज ऑटो, हीरो होंडा जैसी कंपनियां हैं। क्वाड्रा साइकिल ये कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, माइक्रो कार्स इसे हम कहते हैं। टोटल देखे तो दोस्तों ऑटो सेल्स में 3 करोड़ यूनिट इंडिया में हर साल बिकते हैं, राइट। तो 3 करोड़ यूनिट यानी एक बड़ी फिगर है दोस्तों। अगर ऑटो इंडस्ट्री टोटल हम देखे तो पैसेंजर व्हीकल जो मैंने बताया एक बड़ा पार्ट है। पैसेंजर व्हीकल हम 18-19 में हमने 40 लाख सेल किए हैं। पैसेंजर व्हीकल में कौन सी सबसे बड़ी कंपनी है तो आप जानते ही हो, मारुति, राइट। पर कई और कंपनियां भी बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुकी है दोस्तों। अभी 40 लाख टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल हुए, 0% का ग्रोथ हुआ। कॉमर्शियल व्हीकल 11 लाख बिके, कॉमर्शियल में मिड साइज लार्ज साइज सब आ गए, तो 11 लाख कॉमर्शियल व्हीकल। कॉमर्शियल व्हीकल में आप जानते हो दोस्तों एस्कर्ट है, टाटा मोटर्स है, अशोक लेलैंड है। तो दोस्तों सबने मिला के करीबन 11 लाख व्हीकल सेल किए, 24% का कॉमर्शियल व्हीकल में एक्चुअल में ग्रोथ था। एक्सपोर्ट पैसेंजर व्हीकल का 10% घटा है इस साल, कॉमर्शियल व्हीकल का दोस्तों 3% बढ़ा है, राइट। हमारी इंडस्ट्री ऑटो इंडस्ट्री एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी कुछ हद तक है। 3 व्हीलर हम देखें तो दोस्तों 13 लाख 3 व्हीलर इंडिया में बिकते हैं, 24% दोस्तों ये 13 लाख नहीं है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 3 व्हीलर, यस बराबर है, 3 व्हीलर 13 लाख है, 24% ग्रोथ है, राइट। और 49% एक्सपोर्ट, तो ये आप जानते ही हो 3 व्हीलर में कौन है लीडर, बजाज ऑटो। मेजॉरिटी हमको पता ही इस साल 2-3 व्हीलर्स का बिजनेस कम हुआ है, 6% का ही ग्रोथ है इंडिया में, 2.5 करोड़ 2 व्हीलर बिकते हैं। तो 2 व्हीलर की जो कंपनियां हैं उसमें थोड़ा म्यूटेड फेस है, पर 3 व्हीलर अच्छे बिके और वो भी एक्सपोर्ट ने अच्छा सपोर्ट किया। 2 व्हीलर भी 17% एक्सपोर्ट था, राइट। तो यहां पे हम देखें तो 2 व्हीलर की कंपनियां म्यूटेड फेस में है, जिसमें आइसर आई, टीवीएस मोटर, हीरो होंडा, ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है नंबर ऑफ यूनिट्स में। और 3 व्हीलर जिसमें बजाज ऑटो है तो दोस्तों एक्सपोर्ट इनका बहुत अच्छा हुआ है, खास करके हम देखें तो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज जिनका जीडीपी भी अच्छी तरह से बढ़ रहा है। यस वो लो जीडीपी की कंपनियां हैं पर ग्रोथ उनका ये मंदी में भी अच्छा रहा है दोस्तों, राइट। तो 3 व्हीलर्स में बढ़िया कर रहा है बजाज ऑटो। टोटल 13 लाख, 2 व्हीलर 2.5 करोड़, क्वाड्रा साइकिल चलो खाली 5,000 है, नहीं गिनते हम इसको बहुत बड़ा। टोटल देखे तो भारत में 3 करोड़ यूनिट बिके है, 6% का ग्रोथ था पिछले साल
और 15% एक्सपोर्ट ग्रोथ हुआ है दोस्तों। पूरी दुनिया मिलके 9.3 करोड़ व्हीकल सेल करती है, वर्ल्ड वाइड 3% का डीग्रोथ है। तो हम तो कब से कहते हैं कि भाई इंडिया में मंदी चल रही है, इंडिया में क्या कर रही है ऑटो इंडस्ट्री में सरकार। अब देखो तो दुनिया में मंदी चल रही है ऑटो में, डीग्रोथ पे ये इंडस्ट्री है। इंडिया में फिर भी म्यूटेड फेस था, 6% यानी कोई बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं है, 10-11% ग्रोथ होना चाहिए जो अब तक था, पर 6% इज अ म्यूटेड ग्रोथ। दुनिया में अगर 9 करोड़ व्हीकल बिकते हैं तो अपने भारत में 3 करोड़ यानी करीबन 30% मार्केट शेयर तो अकेला भारत का है, राइट? मेजरली भारत और चाइना अगर हम ऐसे देखें तो। ये मैंने व्हीकल प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड बताया है दोस्तों। यूरोप में 2 करोड़ व्हीकल बिकते हैं, नॉर्थ अमेरिका में 1.7 करोड़, यूरोप -2 पे है। तो देखो हम कहते हैं भारत में ऑटो में मंदी चल रही है, भारत में तो फिर भी 6% ग्रोथ है, राइट? पर यूरोप -2%, नॉर्थ अमेरिका 1.7 करोड़ 0% ग्रोथ है, साउथ अमेरिका में 34 लाख व्हीकल बिकते हैं 0% ग्रोथ। एशिया अगर देखें तो एशिया में इंडिया आ गया दोस्तों, इंडिया चाइना दोनों एशिया मिलके 5 करोड़ व्हीकल बेचती है और एशिया में भी -3% का ग्रोथ है, राइट? तो दुनिया का ग्रोथ हमने देख लिया -3%, एशिया में डीग्रोथ यानी चाइना में डीग्रोथ है तो हम समझते ही है। इंडिया में पिछले साल तक डीग्रोथ नहीं था, पर यस ये साल इंडिया भी लपेट में आ चुका है, राइट? तो टोटल जैसा हमने देखा कि टोटल इंडस्ट्री 4 लाख करोड़ की है ऑटो एंसिलरी की, जिसमें लिस्टेड कंपनियां मिलकर 2 लाख करोड़ का धंधा करती है, 100 से ज्यादा कंपनियां हैं पर मेजर बिजनेस तो टॉप 80% आती है दोस्तों। पूरी दुनिया इंपैक्टेड है टेक्नोलॉजी से, यानी टेक्नोलॉजी में जो शिफ्ट आया इसकी बहुत बड़ी इफेक्ट दुनिया भर के ऑटो को हुई है, राइट? एनवायरमेंटल कंसर्न, गवर्नमेंट पॉलिसीज और अनसर्टेन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये हमने देखा था ब्रेग्जिट में। चलो ये तो कम से कम अभी स्टेबल हो चुका है दोस्तों। 4 एरियाज टू फोकस एंड चेंज, जहां पे जो चेंज आया है तो कौन से 4 एरिया पे अब ऑटो की कंपनियां फोकस करने वाली है। ऑटोनोमस ऑटोमेटेड गाड़ियों पे फोकस रहने वाला है, कनेक्टेड इलेक्ट्रिफाइड गाड़ियां और शेयर्ड मोबिलिटी। शेयर्ड मोबिलिटी भी एक बड़ी इंडस्ट्री बनती जा रही है, राइट? दोस्तों इंडिया में अगर हम ऑटो एंसिलरी देखें तो आपके सामने ये सब कंपनी के धंधे हैं, राइट? अब 100 कंपनी है, 112 तो मैंने सारी कंपनी नहीं ली है, मेजोरिटी ऑफ कंपनीज के मैंने दोस्तों यहां पे धंधे और प्रॉफिट लिखे हैं, तो देख के आपको सीधा पता चल रहा है, ये सेल्स के आंकड़े आपके सामने है। टॉप 3 कंपनी भी अगर हम देखें तो 50% धंधा तो खाली टॉप की 3 कंपनियां करती है। जब देख लो लिस्टेड कंपनियां अगर 2 लाख करोड़ का धंधा करती है तो इसमें मदर्स एंड सुमी अकेली 63,000 करोड़ का धंधा करती है। सो वी कैन से मदर्स एंड सुमी इज लार्जेस्ट ऑटो एंसिलरी कंपनी ऑफ इंडिया। टॉप 3 में आती है मदर्स एंड सनक्ले इसलिए क्योंकि टीवीएस ग्रुप कई होल्डिंग कंपनी है, सनक्ले टीवीएस मोटर के प्रमोटर है सनक्ले, एक्साइड, बॉश, वैरॉक, ये सब कुछ बड़ी कंपनियों में आती है दोस्तों। अगर हम मेजर कंपनियां देखें तो वैरॉक, एंड्यूरेंस, आमरा राजा बैटरी, मिंडा इंडस्ट्री, टीआई इंडस्ट्री, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, टीआई इंडस्ट्री, सुंदरम फास्टनर, किर्लोस्कर एनर्जी, वैपको, ये कुछ कंपनियां सबसे बड़ी कंपनियों में इनका नाम है और यही कुछ कंपनियां हैं जो मेजर प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी 2 लाख करोड़ का अगर ये धंधा करते हैं तो धंधा हो या प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट कितना करती है सारी कंपनी मिला के, करीबन 10,000 करोड़। तो आप इसमें देख ही पा रहे हो कि 10,000 करोड़ में से 2,000 करोड़ तो मदर्स एंड सुमी अकेली करती है, राइट? मदर्स एंड और बॉश देखे तो इनका ही प्रॉफिट 3,500 करोड़ है। टोटल देखो तो ये टॉप की कंपनियां हैं जिनकी वजह से प्रॉफिट आता है, राइट? इक्विटी यानी टोटल प्रमोटर ने कितना पैसा लगाया, सब कंपनी का नहीं लिखा है लेकिन करीबन 1,000 करोड़ का निवेश है इन कंपनियों में। और हम देख सकते हैं कि 1,000 करोड़ के निवेश के सामने कंपनियां मिलके 10,000 करोड़ तो कमा रही है,
यानी ऑटो एंसिलरी की कंपनियों ने अब तक अपने स्टेक होल्डर को बढ़िया पैसा कमा के दिया है, राइट। अब जैसे हम हर बार कहते हैं कि वहां फोकस किया जाए जो धंधा करते हैं, क्योंकि जो धंधा नहीं कर सकते वो प्रॉफिट भी नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे हम देखें तो मदरसन तो सबसे बड़ा खिलाड़ी है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, पर फोकस करने लायक ये टॉप की करीबन 10-1 कंपनियां है जहां पे हमें ऑटो एंसिलरी में देखना चाहिए। इन कंपनियों में अगर हम देखें मार्केट शेयर तो चलो देख लिया, थोड़ा क्वालिटी एनालिसिस करें कि कौन सी कंपनी हाई क्वालिटी है। तो देखो क्वालिटी पे देखें तो सबसे पहले प्रॉफिट मार्जिन देखा जाना चाहिए। तो प्रॉफिट मार्जिन आमरा राजा बैटरी, बॉश और वेबको के अच्छे हैं। प्रॉफिट मार्जिन मेनन बेरिंग, इंडियन निपो, इगाराशी, सुंदरम फास्टनर, इन लोगों के भी अच्छे हैं। पर हम अगर तीनों चीजें देखें, सबसे पहले मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन इसलिए क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन उनके अच्छे होते हैं जिनपे अच्छी मैनेजमेंट हो, कम खर्च से जो धंधा प्रॉफिट करना जानते हो, और ऐसी मैनेजमेंट जो डेट फ्री हो। तो यहां पे हम देख सकते हैं आमरा राजा, बॉश, वेबको। इस हाई क्वालिटी एनालिसिस में मदरसन सुमी नहीं आती है, राइट। देखो मदरसन सुमी इधर आती है क्योंकि सिर्फ 3% के उनके मार्जिन है। क्यों इतने कम मार्जिन है? क्योंकि उनके सर पे डेप्ट है काफी, 3 टाइम की उनकी डेप्ट पेइंग कैपेसिटी है। जबकि हम देख सकते हैं कि आमरा राजा, बॉश, वेबको, ये सब कुछ ऑल मोर डेप्ट फ्री कंपनियां हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनकी सबसे ज्यादा है। अब देखो तो आमरा राजा, बॉश, वेबको, ये सब में पुराने इन्वेस्टर 30-30 गुना पैसे कमाए हुए हैं, राइट। सो दिस 3 कंपनीज शुड बी फोकस। यस, ये 3 कंपनी धंधा भी अच्छा करती थी, मैं मानता हूं टॉप बिजनेस करने वालों नंबर 1 नहीं है, लेकिन अच्छा बिजनेस करती है और क्वालिटी वाइज भी ये 3 अच्छी कंपनियां हैं। तो दोस्तों इतनी सारी कंपनी जो हमने देखी थी उसमें से फोकस हमें यस ये 3ों पे ज्यादा करना चाहिए, राइट। अब ये 3 कंपनी क्वालिटी वाइज अगर अच्छी है, आपने मार्जिन्स देखे, आपने डेप्ट पेइंग कैपेसिटी देखी, रिटर्न ऑन इक्विटी देखा, अब ग्रोथ देखा जाए कौन सी कंपनियों ने बढ़िया ग्रोथ किया है। तो दोस्तों सबसे पहला नाम तो उसमें मदरसन सुमी का आता है। देखिए दोस्तों 2000 में, इन द ईयर 2000, मदरसन सुमी देखो कितना धंधा करती थी, खाली 1500 करोड़ का। दोस्तों देखते ही देखते 1500 करोड़ से 60,000 करोड़ ये लोग पहुंच चुके हैं। ह्यूज ग्रोथ, 38% से इनका 20 साल में धंधा बढ़ा है, 50% में पिछले 10 साल के धंधा बढ़ा है, 50% CAGR से। दोस्तों प्रॉफिट भी इनका पिछले 20 साल में 33% से बढ़ा है और 10 साल में 31% से। आप देख पा रहे हो इनके प्रॉफिट धंधे से ज्यादा नहीं बढ़े। जनरली ऐसा होता है कि बिजनेस से ज्यादा कंपनियों के प्रॉफिट के CAGR बढ़ते हैं, पर यहां पर ऐसा नहीं है क्योंकि डेप्ट इनके सर पे है। प्रॉफिट देखे तो आपने जो टॉप की कंपनीज जो सिलेक्ट की थी उसमें आमरा राजा और वेबको के भी अच्छे ग्रोथ है। आमरा राजा पिछले 2 डिकेड से 20% के CAGR से बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी उनके 20% से बढ़े, यस पिछले 10 साल में 13% से प्रॉफिट बढ़े, तो थोड़ा म्यूट हुआ है। वेबको भी हम देखें तो पिछले 20 साल में और 10 साल 20-20% से धंधे बढ़े हैं, प्रॉफिट इनके थोड़े म्यूटेड हुए हैं। तो ये तो पूरी ऑटो इंसिलरी में हम लोग देखेंगे, राइट। तो ग्रोथ देखा जाए तो यहां पे आमरा राजा, मदरसन है, एमरा राजा है, वेबको है, इनके ग्रोथ भी अच्छे हैं, क्वालिटी में भी ये लोग थे। यस क्वालिटी में मदरसन नहीं था, पर नंबर 1 में जरूर मदरसन था। तो मेरे ख्याल से हमें मदरसन हो, आमरा राजा, वेबको, इन सब पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। यस बॉश हाई क्वालिटी कंपनी है, पर ग्रोथ वाइज देखी जाए तो बॉश का ग्रोथ पिछले 20 साल में खाली 12% का हुआ है, तो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ इनका नहीं था। 10 साल में 60% से धंधा बढ़ा है। दोस्तों प्रॉफिट इनका अच्छा इसलिए बढ़ा था क्योंकि ये बिल्कुल डेप्ट फ्री कंपनी थी, पर पिछले एक दशक में खाली 7% से प्रॉफिट बढ़े हैं। तो ग्रोथ वाइज हम देखें तो आमरा राजा, वेबको पे ज्यादा हमें फोकस करना चाहिए। मदरसन पे डेप्ट है तो ज्यादा हम फोकस आमरा और वेबको ही करेंगे क्योंकि ये डेप्ट फ्री भी है, ये धंधा भी अच्छा करती है, राइट।
अब देखो दोस्तों, ये चीज से हमें पता चलता है किसने कितने रिटर्न दिए होंगे। देखो अगर वेबको, आमरा राजा, मदरसन ये टॉप की कंपनियों में गिनी जाती है प्रॉफिट करने वाली में, धंधा करने वाली में, तो इनके भाव भी अच्छे बड़े होंगे। आप देख सकते हो वेबको ने पिछले दो दशक में या पिछली एक दशक में 33% के CAGR से इनके प्रॉफिट, इनके भाव बड़े हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड ह्यूज वेल्थ क्रिएशन हैज बीन सीन इन वेबको अलोंग विथ अमरा राजा बैटरी, ह्यूज वेल्थ क्रिएशन। क्योंकि अमरा राजा बैटरी 25% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है जबकि वेबको खाली 7% करता है, तो प्राइस में वो रिफ्लेक्ट थोड़ा ज्यादा हुआ है। मदरसन सुमी आपने देखा है कि 39% से इससे प्रॉफिट बढ़े थे, पर भाव उनके 30% और 18% से बढ़े हैं, कोई डाउट ही नहीं है। बढ़िया ग्रोथ इन लोगों ने आपको भाव में भी दिया है, मेरे ख्याल से 1,10,00,000 हुए होंगे पिछले दो तीन दशक में, राइट। डिविडेंड भी इसने भरपूर दिया है, तो मदरसन में जिसने निवेश किया ह्यूज वेल्थ क्रिएशन हुआ है। यस, वेबको अमरा राजा ने भी बढ़िया पैसा कमा के दिया है, राइट। तो दोस्तों पैसा भी अच्छा कमा के दिया है, क्वालिटी वाइज भी अच्छे है, ग्रोथ वाइज भी अच्छे है, तो दोस्तों फोकस वहां पे किया जाए। मैं ये नहीं कहता बाकी की कंपनी अच्छी नहीं है, पर दोस्तों ये तो ऑटो एंसिलरी ने ग्रोथ अच्छा किया था, तो पिछले दशक में मेजोरिटी ऑफ कंपनीज ने अच्छा ग्रोथ किया था। अब इस साल का अगर हम देखें करंट, दोस्तों करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट ईयर। क्यों लेटेस्ट ईयर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल देखो ऑटो में तो दुनिया भर में मंदी 2 साल से चल रही है, पर इस साल भारत भी लपेट में आ चुका है, राइट। इस साल के अगर हम ग्रोथ देखें तो जो अच्छी, जो जिनको हमने टॉप लिस्ट में रखा हुआ था उसमें अमरा राजा बैटरी थी, राइट। अमरा राजा का म्यूटेड ग्रोथ है, खाली 1% ग्रोथ हुआ है, तो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। दोस्तों एक्साइड, इंडियन, अमरा राजा, देखो तीनों थोड़ी थोड़ी बैटरी रिलेटेड कंपनियां हैं, अमरा राजा और एक्साइड तो खास बैटरी की ही कंपनियां हैं, प्रयोग इन्हीं ने ग्रोथ दिया है। अब ये म्यूटेड ग्रोथ है, कुछ ग्रोथ नहीं है, पर डी ग्रोथ नहीं हुआ। बाकी की कंपनियां आप देखो तो देखो वेबको हो, बॉश हो, मदरसन के भी चलो धंधे तो नहीं घटे, बाकी मेजोरिटी ऑफ कंपनीज के धंधे पे इस बार जबरदस्त घटे हैं, राइट। आप देख पा रहे हो इंडस्ट्री के डेटा, मैंने आपको शायद यस नहीं बताया है। देखो ओवरऑल इंडस्ट्री ने ही आपको, इन इंडस्ट्री के धंधे भी अच्छे बढ़े थे, प्रॉफिट भी अच्छे बढ़े थे, और इसलिए ओवरऑल इंडस्ट्री ने बढ़िया रिटर्न आपको दिया पिछले दो दशक में। लेकिन इस साल यहां अभी का हम लेटेस्ट आंकड़ा देखे तो इंडस्ट्री का धंधा 4% से गिरा है, प्रॉफिट 0% से बढ़े। दोस्तों ये प्रॉफिट भी 0% इसलिए है क्योंकि भारत में हमने कॉरपोरेट टैक्स कट देखा, एक बढ़िया डिसीजन जो सरकार ने लिया जिससे कम से कम प्रॉफिट घटे नहीं तो 4% अगर धंधे डाउन थे तो 10% थे इनके, 10% से इनके प्रॉफिट गिरते। पर दोस्तों प्रॉफिट को तो चलो बचा लिया है लोअर टैक्स में, पर 4% धंधे घटे हैं यानी डिमांड घटी हुई है दोस्तों, राइट। तो हमें तैयारी रखनी पड़ेगी दोस्तों, जब तक डिमांड दिखती नहीं है या तो बहुत ही लोअर लेवल पे बाय करें। अब जिसका धंधा अच्छा नहीं है उनके प्रॉफिट तो लाइफ टाइम हाई इनमें से किसी के नहीं होंगे, तो दोस्तों सीधी बात है किसी के भाव भी लाइफ टाइम हाई नहीं होंगे, डिमांड के कारण भाव भी टूटे हैं। तो हमें यहां पे ध्यान रखना ये होगा कि अगर हम बाइंग करते हैं तो नए 52-week लो पे बाय करें, और अगर हमारे पास ऑलरेडी है तो रिकवरी जैसे भाव में आती है लाइफ टाइम हाई की नजदीक ये जाते हैं तो यहां प्रॉफिट बुकिंग हमें करना चाहिए। नया कब खरीदे, या तो 52-week लो पे या तो जब डिमांड वापस आती हुई हमें दिखे, बराबर। देखो इस साल -4% आया है तो कभी कभी होता है कि कंपनियों की डिमांड कम हो जाती है, पर डिमांड कम होना इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। अब ये शॉर्ट टर्म में भी रिकवर हो सकती है, 2-3 साल भी लगा सकते हैं, राइट। हमने बीच में फार्मा में देखा था, अब जैसे ऑटो ने भी तो आपको 3 दशक से कमा के दिया है और ह्यूज वेल्थ थी वही ना आपकी। आप में से वो लोग जो देखो 2009, 2013, 2014 से लेके बैठे हो, आपको अच्छे पैसे मिले होंगे, पर जिन्होंने लेट एंट्री ली है 2-3 साल में जिन्होंने एंट्री ली उनके पैसे कम होंगे। क्यों? क्योंकि ऑटो एंसिलरी की डिमांड घटी हुई है। तो नए प्लेयर अगर एंट्री लेते हैं, न्यू इन्वेस्टर, तो थोड़ा ध्यान रखे, ले बड़ी पोजीशन नहीं बनाए,
डिमांड जिसमें है वहां पे पोजीशन बनाए और कम बनाए, ऑलरेडी है चिंता की बात नहीं है, रिकवरी में थोड़ा वेटेज कम करते जाए, खरीदे कब 52 व्यू लोअर के नजदीक में, बराबर है। तो ये था दोस्तों पूरी इंडस्ट्री के बारे में रिमार्क मैंने आपको बता दिए। बुक प्रॉफिट ड्यूरिंग रिकवरी, दोस्तों हम आपको डीमार्ट में बुक प्रॉफिट करने का नहीं बोलते, हम आपको जुबिलेंट फूड में नहीं बोलते, हम आपको इंटरनेट की कंपनी में नहीं बोलते दोस्तों, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जिसका ये माइनस ना हो, जिसकी डिमांड फुल हो, 10%, 20%, 30% से धंधे बढ़ते जा रहे हो, वहां पे क्या प्रॉफिट बुकिंग करने का, वो तो फुल डिमांड है, कहां से कहां जाएंगे शेयर। पर दोस्तों डिमांड नहीं है तो हमें प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा या वेटेज कम करना पड़ेगा दोस्तों, राइट। देखिए यहाँ पे मैंने मेदरसन सुमी का आपको डिटेल भी दिया है, देखो चार्ट ये आपके सामने है, सी चार्ट क्या दिख रहा है आपको मेदरसन सुमी का, है ना, बढ़िया वैसे तो चला है दोस्तों, 1,10,000,000,000 करके दिए इसने 2 दशक में, लेकिन ये 260 से 100 तक आ गया था दोस्तों। हमने आपको पहले भी कहा था कि 100 रुपीज यानी इसका 61, मैंने लाइन ड्रॉ की है ना, ये 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल है। तो ये 61 तक क्यों आया, क्योंकि दोस्तों एक तो डिमांड कम है, दूसरी मदरसन पे डेप्ट है, तो 61 तो इसको आना था, पर 100 रुपीज एक अच्छा भाव बनता है लेने का। अब ये 100 तोड़ेगा क्या, इसका जवाब कौन दे सकता है दोस्तों, डिमांड। दोस्तों ये डिमांड अभी इनकी कम नहीं हुई है, 4% ग्रोथ अभी भी है, क्योंकि मदरसन दोस्तों बहुत सी अलग अलग प्रोडक्ट में डील करता है, एक तो डाइवर्सिफाइड लोग है, इनका नियम है ये कोई भी एक प्रोडक्ट कोई भी एक कंट्री में 15% से ज्यादा बिजनेस नहीं करते, इतने डाइवर्सिफाइड है, राइट। हालांकि अभी जर्मन में इनका बिजनेस थोड़ा ज्यादा है, लेकिन वहां पे भी उनका टारगेट तो ये कि दूसरे कंट्री इतने बड़ा है कि जर्मन पे डिपेंड ना रहे, अभी जर्मन उनको 23% धंधा दे रहा है ना। तो मदरसन इज अ गुड कंपनी, बट यस देयर इज अ डेप्थ, सो वी शुड अंडरस्टैंड, अगर मदरसन में मैं निवेश करता हूं तो 1 या 2% से बड़ी होल्डिंग में नहीं रखू। लेना कब चाहिए दोस्तों, 100 रुपीज पे, 100 पे लेंगे, डिमांड आती है तो जरूर हम यहाँ पे अच्छा पैसा वापस कमाएंगे। अभी तो डिमांड म्यूटेड है, प्रॉफिट डाउन है, तो हम क्या रेंज एक्सपेक्ट करेंगे 100 से 160 की, 160 के नजदीक हमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर देना चाहिए और 100 के करीब लेना चाहिए। दिस इज अ सिंपल प्लानिंग। देखो दोस्तों मैंने पूरी हिस्ट्री दी है मदरसन की, 1993 में ये खाली भारत पे डिपेंड थे, 193 करोड़ का धंधा करते थे, कितना कर रहे हैं अभी 2000 में 1500 करोड़ का दोस्तों, सॉरी ये जो फिगर है ये मिलियन में है, 64,000 के करीब करोड़ के करीब का भी है दोस्तों ये लोग धंधा करते हैं, ह्यूज CAGR ग्रोथ, कुछ भी धंधा नहीं था यहां पे इनका, आज ये अपने आप को खड़ा कर सकी है भारत की नंबर 1 ऑटो एंसिलरी की कंपनी बनके। दोस्तों इतिहास देखो तो इनका धंधा कब घटा है, देखो एक इनका धंधा यहां घटा था, फिर जिंदगी में कभी नहीं। दोस्तों पिछले 20 साल में हमने देखा है कि एक बार धंधा घटा था तो दोस्तों 2008 की मंदी में घटा था, धंधा तो इनका इस साल भी नहीं घटा है, कितने स्ट्रांग है दोस्तों। प्रॉफिट इन लोगों के कितनी बार घटे हैं देख लीजिए आप लोग, एक यहां घटा था, फिर इधर घटा था, है एक धंधा इधर प्रॉफिट इधर, यानी 2 बार खाली इनका प्रॉफिट घटा है और इस साल तीसरी बार इनका प्रॉफिट घट के आने वाला है। तो ये चलता है, हम ये नहीं कहेंगे मदरसन डूब जाएगी, बेकार कंपनी, अच्छी ही कंपनी है, पर दोस्तों सेफली खेलना है तो 52 वीक लो यानी 100 रुपए के नजदीक लो, या तो फिर डिमांड आती है तब हम इसे खरीदे। देखो कितनी सारी बार स्प्लिट बोनसेस इन लोगों ने दिए है दोस्तों, ह्यूज ग्रोथ, इनका धंधा 400 गुना बड़ा है पिछले 20 सालों में दोस्तों, इनके प्रॉफिट खाली 100 गुना बड़े हैं, क्यों, क्योंकि डेप्ट भी इनकी 24% से इंक्रीज हुई है दोस्तों इतने सालों में, राइट। अगर हम सही में देखें तो दोस्तों इनका भाव अभी 12,000 होना चाहिए अगर इन्होंने ये स्प्लिट बोनस नहीं किए होते तो,
दोस्तों भाव भी इनका 123 गुना बड़ा है अच्छा डिविडेंड देने के बावजूद। तो इसका मतलब सीधी बात हुई, अगर 100 पे खरीदा होता 2002 में, आज इसकी कीमत 12,300 होती। 100 यानी 100 का 1000, 1000 का 10,000, दोस्तों लाख के 10,000 नहीं 12,000, लाख के 12 करोड़ करके दिए, राइट। पर ये साल हम देख रहे हैं 4% से धंधा बढ़ा, 17% से प्रॉफिट डाउन हुआ है। तो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए ये साल अर्निंग कम आने वाली है, 5 के बदले खाली 4 रुपया अर्निंग आएगी इस साल, राइट। तो एवरेज पी क्या बनता है, देखो प्री भी 100 रुपए के आसपास ही बन रहा है एवरेज पी, यहीं पे खरीदो दोस्तों। मैं आशा रखूंगा आने वाले समय में धंधे वापस बढ़े, हम इसका भाव 700 रुपया देखेंगे 2030 तक, राइट। लेकिन नेगेटिव चीज क्या है, डिमांड नहीं है, डिमांड हो तब खरीदना या 100 रुपए पे, बराबर। देखो मेजोरिटी ऑफ कंपनीज, अब आपको का चार्ट है, अब देख सकते हो कैसा जबरदस्त रैली किया था इसने दोस्तों, लेकिन पिछले 2 साल से करेक्शन मोड में है। कब खरीदे दोस्तों, 5000 के खरीदी, 6000 से 5000 की जो ये रेंज दिख रही है ना, इसी में दोस्तों बाय करें। धंधे इनके म्यूटेड है, प्रॉफिट अच्छे नहीं आ रहे, तो अगर ये 8000 तक आता है इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर दे, राइट। आमरा राजा बैटरी, वंडरफुल कंपनीज, ह्यूज रैली इसने भी दोस्तों अपने जमाने में की थी, लेकिन जैसे ऑटो में अभी मंदी चल रही है, आप यहां पे देख सकते हो दोस्तों 700 से 600 की रेंज में इसको आप खरीद सकते हो, राइट। एंड सेम थिंग इफ द बॉश, रिकवरी आती है, रिकवरी में थोड़ा 1000 रुपए के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करें। बॉश में क्या करना है, बॉश ने भी जबरदस्त पैसा कमा के दिया है, ऑटो म्यूटेड है, 12,000 के करीबन आता है तब खरीदे, आपके पास हो तो 17,700 के करीब की जो 17,400 के करीब भाव आता है तब इसमें प्रॉफिट बुकिंग करें। क्यों, क्योंकि इन सारी कंपनियों के धंधे म्यूटेड है। तो हमें दोस्तों बहुत लोग पूछते कब लेना चाहिए कब बेचना चाहिए, सीधी बात है आपका जो कंपनियों में निवेश है जब तक ग्रोथ आता जाता है, देखो ग्रोथ आता जाता था हम कभी आपको बेचने का नहीं कहते, अब डीग्रोथ है तो बेचना, आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। देखो खराब समय मदरसन का चल रहा है, तू भी प्रॉफिट कर रहा है ना, वेबको कर रहा है ना, पॉश कर रहा है ना, तो यही फायदा है क्वालिटी कंपनी में रहने का दोस्तों, कि अगर क्वालिटी कंपनी में हो कम से कम दोस्तों बुरे समय में भी आपकी अर्निंग रहती है कंसिस्टेंट, डिविडेंड मिलते जाते हैं। अगर आप वो लो क्वालिटी कंपनियों में होते तो आज वो सब लॉस कर रही होगी, तो क्या पैसा कमाएंगे अपने उसमें, खराब समय में ये सब अर्निंग हमारी बंद हो जाएगी, राइट। इसीलिए दोस्तों बढ़िया कंपनी में रहे, क्वालिटी कंपनी में रहे तो दिक्कत की बात नहीं है, राइट। तो दोस्तों आज हमने एक डी ग्रोइंग सेक्टर लिया था, क्योंकि ग्रोइंग के साथ डी ग्रोइंग में भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपके पास होंगे तो आप डिसीजन ले सको क्या करना है दोस्तों, राइट। सो थैंक यू सो मच। यस, बेंगलोर में हमारा मीटिंग है इस संडे 16 फरवरी, हम 3 घंटा मिलेंगे और इसी प्रकार से ढेर सी अलग अलग इंडस्ट्री पे चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स।